अंग 1293। संत रविदास जी गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से कहते हैं, हे नगर के लोगों, यह बात तो जानी मानी है कि मेरी जाति छोटी है जिसे तुम लोग नीच समझते हो। यानी सभी नगरवासी जानते हैं कि मेरी जात छोटी है, पर हे लोगों, मैं अपने हृदय में प्रभु का गुणगान करता हूँ, इसलिए मैं नीची जाति का नहीं हूँ। हे भाई, चाहे शराब गंगाजल से ही क्यों ना बनी हो, फिर भी उसे गुरुमुख यानी गुरु को मानने वाले नहीं पीते। जिस प्रकार शराब गंगाजल में मिलकर उसे भी खराब कर देती है, उसी प्रकार अहंकार रूपी अवगुण चाहे किसी ऊंची जाति वाले में ही क्यों ना हो, वह उसमें भी दोष पैदा कर देता है। हे भाई, गंगाजल में अगर एक बार गंदा पानी मिल जाए तो वह गंगाजल उस गंदगी से दूर नहीं हो सकता। यानी जब गंदी चीज अच्छी में मिल जाती है तो वह अच्छी भी दूषित हो जाती है। उसी प्रकार जब नीच जाति का व्यक्ति प्रभु के गुणगान करने लगता है तो वह भी नीच नहीं रहता। ताड़ी का पेड़ 30 मीटर तक ऊंचा होता है और उससे छाया नहीं मिल पाती, और ऊंचा होने के कारण उसका फल तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए संत रविदास जी कहते हैं, हे लोगों, ताड़ी के वृक्ष को अच्छा नहीं समझा जाता, उसी प्रकार उससे बने कागज को भी लोग अच्छा नहीं समझते। पर हे लोगों, जब उस कागज पर ईश्वर का गुणगान लिखा जाता है तो फिर सभी उसे पूछते हैं, हे प्रभु, मेरी जाति के लोग बनारस में चमड़ा कूटते और काटते हैं और रोज मरे हुए पशु ढोते हैं, परंतु हे प्रभु, उसी कुल में पैदा हुआ यह तेरा सेवक जब से तेरी शरण में आया है, उसे अब बड़े बड़े ब्राह्मण प्रणाम करते हैं। संत रविदास जी के इन शब्दों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान छोटा बड़ा जाति से नहीं, कर्मों से है, और प्रभु की शरण में जो भी जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है और वह बुराइयों और अहंकार से दूर रहता है।